हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है हर धड़कन यही। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो पर ना रहूँ और आप लोगों को यानी चेंज होने मैं कैसे अपने लाइफ में चेंज हो रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे मॉर्निंग ख़त्म होने वाला है और खाना भी बन गया है, जैसा कि आप लोगों को दिखा दिया, नहा धो लिया भी है हमने। बस अब भूख लगेगी, जब खाएंगे, अभी भूख नहीं लगी है। और ये सारा कुछ नेल पेंट छूट चुका है मेरा, मैं ही नहीं बैठे बैठे छुटा दिया, आलपिन ली हुई थी और बैठे बैठे बस यही छुटा दिया मैंने। बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं मेरे, देख सकते हो हाथ में कितने सारे हैं, दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं। पहले इतने नहीं झड़ते थे, अभी ना बहुत झड़ रहे हैं बाल मेरे। अब किस कारण झड़ रहे हैं ये नहीं पता, पर झड़ बहुत रहे हैं। हालत भी गंभीर हो चुकी है मेरी। मेरी पहले की वीडियो में आप नोटिस करना, मैं ऐसी थोड़ी ना थी जैसी अब लगने लगी हूँ मैं। सारा कुछ चेंज हो गया है, सुहाना की लाइफ ही चेंज हो गई है। पता है बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं मेरे, तो अभी बाल गीले थे और मैं बाल जब गीले रहते हैं ना तो कंघी मैं नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ कंघी। जब बाल सूख जाते हैं ना तभी मैं कंघी करती हूँ, तो वही मैं बता रही थी। देखो आधे बाल सूख चुके हैं, ऐसे ही मैंने धूप में खड़े खड़े सुखा लिए। उसके बाद मैं आप लोगों से बातें भी करूँगी। तो ये मैं श्रेया की बुक लेके आई थी तो उसको पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अच्छा है ना कुछ ना कुछ करती रहे, पढ़ाई का रिविज़न भी होता रहेगा इसलिए। हाथों की लकीरों में लिखा है तेरा मेरा दिल का रिश्ता है हर धड़कन यही बात करे तेरा मेरा प्यार रहे। तो यहाँ पर मम्मी ने बनाया था पोहा और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है, पर मेरे को इतनी भूख नहीं थी, इतना सारा दे दिया मम्मी ने तो थोड़ा सा ही खाया था। उसके बाद फिर मम्मी को मैंने वापस कर दिया था कि मम्मी अब मैं नहीं खा रही हूँ, मन ही नहीं था ज़्यादा खाने का। और आजकल मैं क्या करती हूँ, भूख भी नहीं रहती ना तो थोड़ा बहुत मैं खा ही लेती हूँ। और गुड़िया भी थी अंदर, या ना बच्चे थे तो उन लोगों से बातें कर रही थी मैं बैठी हुई थी। यहाँ पर बाहर गेट के पास एक पटली रख ली थी तो बैठी हुई थी। फिर दिन में मैंने कुछ शूट नहीं किया था, शाम के समय यहाँ पर सफाई करने लगी थी। और श्रेया को थोड़े से पॉपकॉर्न देना था फ्राई करके, तो वो मैं दे रही थी, तो मैं फ्राई भी कर रही थी और साथ में मैंने यहाँ पर समेट दिया था। बहुत ज़्यादा फैला हुआ था ना ये सब्जी भाजी, आई थी पापा लेकर आए थे तो फ्रिज में नहीं रखी हुई, फ्रिज में जमाना है, दूध गर्म करना है, थोड़ी सी चाय भी बनानी है। तो दूध तो मैंने चढ़ा दिया है और चाय बनाऊँगी दूध जब वो गैस खाली हो जाएगा तब। और यहाँ पर मैं ये फ्राई कर ले रही हूँ, श्रेया को दे दूँगी, थोड़ा सा हम लोग भी खा लेंगे चाय के साथ। श्रेया कर रही है सफाई, यानी भगवान जी के यहाँ जमा रही है, वहाँ पर पेपर वेपर लगा रही है। तो बस बातें कर रहे थे हम लोग, तो ये मैंने सहका हुआ था श्रेया के लिए। और हेलो फ्रेंड्स, तो अभी है रात का समय और मैं यहाँ पर लेटी हुई थी, चाय पी है अभी मैंने और करीब 8 बज रहा है। मैं यहाँ पर आ गई थी एडिटिंग करने के लिए, सॉन्ग चल रहा था पर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, आधी एडिटिंग हुई है, वॉइस ओवर करना था तो अब करूँगी क्योंकि अब वॉइस ओवर हो सकती है, सॉन्ग बंद हो चुका है, टीवी चल रहा था ना इसलिए उसमें सॉन्ग चल रहा था। बड़ी परेशान रहती है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप लोग कितने भाई बहन हो, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हम लोग 2 बहन हैं एक भाई है, मैं बड़ी हूँ सबसे, छोटी बहन है, छोटा भाई है, यानी कि मैं, फिर मेरी छोटी बहन और फिर मेरा भाई और मम्मी पापा। तो ये इतनी छोटी सी फैमिली है, भाई की शादी नहीं हुई है, सिस्टर की हो गई है। तो सिस्टर के 2
बेटा बेटी हैं, एक छोटी सी आपने देखी होगी गुड़िया और एक बेटा है उनका, और मेरी एक बेटी है, आप लोगों को तो मेरा तो पता ही है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, इसलिए मैंने बोला कि मेरी एक बेटी है, एक ही बेटी है मेरी, और वही मेरी ज़िंदगी है, अब वही मेरा सब कुछ है, मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। मैं इस रूम में आ जाती हूँ इसलिए क्योंकि बहुत शांति मिलती है। दो तीन दिन पहले की वीडियो पर मैंने थोड़ा सा रो लिया था क्योंकि जब भी शुक्ला जी की बातें करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, बारीकी से सोचती हूँ ना उनके बारे में तो सब कुछ वही सब कुछ याद आ जाता है, तो आंखें भर आती हैं मेरी। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं रोके ना बताऊँ, पूरी कोशिश करती हूँ, पर क्या करूँ, आ जाता है जब बातें करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी फैमिली हो ना, जरूरी थोड़ी ना है कि हम अपने आपस की जो हमारी यहाँ की फैमिली है उनके सामने ही रोएं, आप लोग भी फैमिली हो, आप लोगों से भी जुड़े हैं। तो आप लोग पूछ रहे थे कि मेरी सिस्टर कहाँ रहती है, तो मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर, उतनी दूरी है, तो वहाँ वो रहती हैं और सुबह आ जाती हैं और शाम को चली जाती हैं, तो उसमें ना मन लगा रहता है। वो रोज़ मुझसे कहती हैं कि चलो चलो, तो हालांकि मैं 2 बार ही गई हूँ उनके यहाँ और फिर तब से नहीं गई, मैं यहीं पर रहती हूँ क्योंकि फिर वही है, साड़ी वाड़ी पहनो या फिर कपड़े चेंज करो तो वो थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैत्री और श्रेया अभी भगवान जी को सजा धजा रही, मैं आप लोगों को बताऊँगी क्योंकि वहाँ पर भगवान जी के यहाँ सफाई हो रही है, तो वहाँ पर श्रेया सजावट कर रही है, कलर पेपर रंगीन पेपर जो रहते हैं वो लगा रही है, मम्मी खाना बना रही हैं। पर आप लोग जो कमेंट करते हो ना बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत हिम्मत मिलती है मुझे, आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करो क्योंकि आप लोगों के एक एक कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की, और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ आंटी जी हैं तो वो मुझे बेटा करके बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो लोग बोलते हैं कि सुहाना अब रोना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है अपनी बेटी के लिए, तो ये जो बात रहती है ना मुझे इतनी हिम्मत देती, इतनी हिम्मत कि दुनिया तो कहने के लिए बनी है, वो तो अच्छे में भी कहेगी बुरे में भी कहेगी, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आजकल। सच्ची हमको इतनी अच्छी हमारी YouTube फैमिली मिली है, इतनी अच्छी मिली है कि हमको बहुत सपोर्ट करती है और बहुत अच्छे आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी दिखाती कि सुहाना को अब क्या करना है। बहुत अच्छी मिली मुझे YouTube फैमिली, आप लोगों का दिल से धन्यवाद जो आप लोग मेरी लाइफ में आए और मुझे शुक्ला जी ने इस यूट्यूब में लेकर आए, तो सबसे ज़्यादा उनको धन्यवाद कहूँगी मैं शुक्ला जी को कि शुक्ला जी की बदौलत आज मैं यूट्यूब में हूँ और इतनी प्यारी फैमिली मिली है जो मुझे, सच्ची बताऊँ बहुत साथ है आप लोगों का, बहुत सहारा है मुझे आप लोगों से, बहुत ज़्यादा सहारा है। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, बस यही कहूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए श्रेया ने कितना सुंदर मंदिर सजाया है, देखिए पापा देखेंगे तो बहुत खुश होंगे हमारे, ये देखो कितना सुंदर, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था भगवान जी, इतने सुंदर राधा कृष्ण लड्डू गोपाल और ये जो रखते हैं पूजा का जो भी सामान रहता है वो नीचे रखा हुआ है, यहाँ पर भगवान जी बैठे हुए हैं और बस ये हमारी मम्मी हैं, खाना बना रही हैं, वॉइस ओवर कर दिया है मैंने यहाँ पर, मेरी मम्मी खाना बना रही हैं, देख लो आप लोग, रोटियों में अब घी लगाएंगी, वो खाना बना रही हैं। श्रेया ये भगवान जी हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान जी, अच्छे लग रहे हैं ना भगवान जी, आप लोग देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान जी। श्रेया ने डेकोरेट किया है ये मंदिर, टेबल थी तो टेबल को डेकोरेट करके भगवान जी सजा दिए हैं। श्रेया, श्रेया नहीं बोली, श्रेया के ना आज श्रेया ने हेयर कट करवाया है, बाल छोटे छोटे करवा लिए हैं श्रेया ने क्योंकि बहुत बड़े बड़े बाल थे और श्रेया को दिक्कत हो रही थी, बोलती मम्मी हाथ दुखने लगते हैं बाल कंघी करते हुए, तो श्रेया ने बाल कटवा लिए। यहाँ पर बिल्ली खेल रही है,
देखो ये देखो, इसको तिलक लगा दी, जो काली मेहंदी रहती है ना, उस काली मेहंदी से इसके मुंह में तिलक लगा दी, इसका चेहरा बिगाड़ दिया है सबने। ये देखो, इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं उसकी उसकी फिक्र क्यों करूं। सही बात है ना। तो फ्रेंड्स, अब मुझे लग गई है भूख, तो मैंने श्रेया को दे दिया है खाना और श्रेया शूट कर रही है मोबाइल से। तो मैंने बोला चलो खाते जाओ और हमारा थोड़ा शूट कर दो, हम खाना परोस रहे हैं। तो हम खाएंगे, चावल हमने निकाल लिए हैं, भिंडी की सब्ज़ी और चावल खाएंगे। रोटी खाने की इच्छा है नहीं हमारी, भिंडी की जब सूखी सब्ज़ी बनती है, सूखी ही बनती है वैसे तो मैं यानी सब्जी चावल ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो अब मैं खाऊंगी खाना, तो ये मेरा थोड़ा सा खाना है, तो उतना ही सब्जी चावल खा लूँगी मैं। देख सकते हो आप लोग कितना खाना खा रही हूँ, बस इतना ही है आज। धीरे धीरे यानी खा रही हूँ, और सच बताऊँ तो मैं दवाई खाती हूँ भूख की, तब मुझसे खाना खाया जाता है, वैसे मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो।